नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। सादुलपुर रेलवे फाटक के पास स्थित फतेहपुरिया धर्मशाला पर समाज के लोगों ने नगर पालिका पर फर्जी पट्टा देने का आरोप लगाया है। धर्मशाला के ट्रस्टी अशोक सरवंगी ने बताया कि इस धर्मशाला को सेठ गणपत राय ने 3 दिसंबर 1912 को बनवाया था। इसका पट्टा बीकानेर राजश्री ने जारी किया। इस पट्टे पर यह शर्त लागू की गई थी कि सेठ इस धर्मशाला में 2 कुंडा व 2 धर्मशालाएं बनवाएगा। इस शर्त पर सरकार ने बिना किसी पैसे के 15,000 वर्ग गज भूमि सेठों को दी थी। इस पर सेठ ने 2 धर्मशाला व 2 जलसाए बना दिए गए और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आते थे। धीरे धीरे सेठ अन्य स्थानों पर चले गए और पीछे से धर्मशाला की सारा संभालने वाले लोगों ने वहां पर अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिष्ठान स्थापित करवा दिए और आमजन रेल यात्रियों द्वारा सुविधाएं ली जाती रही। किंतु कुछ लोगों द्वारा आमजन सुविधाओं को धीरे धीरे विक्रय आदि की कार्रवाई कर पट्टों की शर्तों का उल्लंघन किया गया तथा गलत तरीके से रफिया आम भूमि पर भूमाफियों का कब्जा करवा दिया गया। इसमें नगर पालिका राजगढ़ का पूर्ण सहयोग रहा। वहीं धर्मशाला के अंदर से आसपास के दुकानदारों ने अंदर से कमरों को तोड़कर गेट भी निकाल रखे हैं तथा पट्टे बनाए गए हैं। सरवंगी ने बताया कि उक्त पट्टा भूमि तादाती 15,000 दरगज यहां वर्ष 1922 की भूमि का विक्रय हुआ और क्रेताओं द्वारा दुकानों का निर्माण कर लिया गया। बाद शिकायत उक्त निर्माण को समय उपखंड अधिकारी पद पर उपखंड अधिकारी उमेश तोमर के द्वारा पदीकृत अधिकारी की हैसियत से कथित निर्माण को कुर्क कर लिया गया, जो संपत्ति आज भी सरकारी संपत्ति है। नगर पालिका राजगढ़ चूड़ू द्वारा उच्च अधिकारियों को तथ्य की समुचित जानकारी होने के बाद भी विभागीय परिपत्र 30 जनवरी 1962 1968 1983 व 1972 की कमेटी निर्णय एवं 24 दिसंबर 2001 की संपूर्ण जानकारी होने के बाद भी सुजित राम बिजड़िया के हक में उक्त धर्मशाला के बने कमरे बरामदे के आगे रास्ता फुटपाथ व चेक भूमि पर बिना किसी भी नियम के पट्टा जारी कर दिया गया। ये कार्रवाई विरोधवासी की छेड़ी में आती है, क्योंकि अपने पत्र क्रमांक 585 दिनांक 7/5/2005 में दर्ज तथ्यों के विपरीत कार्रवाई की, जो कि जानते बूझ कर ऐसी कार्रवाई करना कानूनी गलत कूट रचना की श्रेणी में आती है। गत एक वर्ष पूर्व श्री अग्रसेन भवन ट्रस्टी राजगढ़ चूड़ू के पदाधिकारी एवं अग्रवाल समाज राजगढ़ निवासियों द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सेठ गणपत राय फतेहपुरिया आदि अग्रवाल द्वारा अरसे 105 वर्ष पूर्व अपने समाज का नाम रोशन किया था, इस धर्मशाला का जीवारोहण कर पुनर्वर आम जन सुविधाएं कायम की जाए। समाज द्वारा जरिए ट्रस्ट उचित व्यय कर आम जन रेल यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था कायम कर दी गई है। अब समाज का विचार है कि इस धर्मशाला के पट्टे दिनांक 3 दिसंबर 1912 2/7/1922 व 1943 तीनों पट्टों को कुल भूमि 15,343 दरगज श्री उग्रसेन भवन ट्रस्ट राजगढ़ चूड़ू को प्रदान की जाए तो समाज इस तदवी भूमि पर एक ही छत के नीचे आम जन को अनेक सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखते हैं। वहीं इस मामले में नगर पालिका आदिवंशी अधिकारी प्रकाश चंद खिचड़ ने बताया कि नगर पालिका की ओर से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। वहीं ट्रस्टी के पास नगर पालिका द्वारा जारी किए गए पट्टे की कॉपी मौजूद है। इंडिया समाचार के लिए चूरू से कैमरामैन रोहित चौहान के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुरियों के नाम से है, रफे आम है, स्टेशन के पास धर्मशाला है, इसके आगे की कोठड़ियों में किन्हीं दुकानदारों को काम करने के लिए दिया था, मगर नगर पालिका ने इसके आगे का आम रास्ते में और दुकानदार को पट्टा दे दिया है और यह पट्टा ना एकदम सरासर नाजायज है। रास्ते की भूमि में पट्टा देना कानूनी अपराध है, मगर ये लोग कोई बात सुनते नहीं और यानी कि जनता के हित की चीज को और खुदर बुदर करने में लग रहे हैं।
धर्मशाला रेलवे स्टेशन पर है, फतेहपुरिया धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध, और सेठ गणपत राम ने वर्ष यानी 105 वर्ष पूर्व है 3/12/1912 को बनाई थी। और इस का पट्टा जो बीकानेर राजगीर ने जारी किया और उस पट्टे पर स्पष्ट शर्त दर्ज है कि इस पर दो कुंड व दो धर्मशाला सेठ बनाएगा और इस इसके लिए सरकार बिना कीमत के 10,000 प्लस 5,000 यानी 15,000 दरगज का पट्टा आपको दे रही है। उस पर सेठ ने धर्मशाला दो व दो विशाल जलाशय बना दिए थे। उन जलाशयों का उपयोग आम जन करता रहा, लेकिन धीरे धीरे सेठ अन्यत्र चले गए और वहां जाने के बाद इनकी सार संभाल उनके गुमास्त तो मुनीमों पर रह गई। मुनीमों ने धीरे धीरे उन कमरे जो बाहर की तरफ दक्षिण साइड में पिलानी रोड जिसमें लिखा हुआ पट्टे में उस तरफ खुलती है, वो 16 कोठड़ियां हैं, उन सभी पर पर्टिकुलर व्यक्तियों का वो करवा दिया, पजेशन करवा दिया अपने स्वार्थ के लिए, 100-100 रुपये या मासिक जो भी कुछ लेके करवा दिया गया। वो उसमें अपना प्रतिष्ठान कायम कर चुके, जबकि ये प्रतिष्ठान कायम कर चुके और उसके आगे नगरपालिका ने पूरा सहयोग किया, जबकि राज्य सरकार के आदेश 30/1962, 1968 व 1983 व 72 की प्रोस्टिंग में जो सक्षम अधिकारी थे उनके निर्णय की भी अवंचना करते हुए इनको तयवजानीय भूमि देकर पोजीशन करवा दिया। तो नगरपालिका भी सहयोगी रही है इस व्यतिक्रम करने में। अब धर्मशाला का अंदर का भाग है वो अब उन्हीं के परिवार के सदस्यों द्वारा, और ये चाह कि आम जन को ये सुविधाएं उसी अनुरूप मिले, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो ट्रस्ट है यहाँ के ये अग्रसेन ट्रस्ट है उसके पदाधिकारियों ने प्रयास किया तो धर्मशाला का अंदर का भाग तो उनको मिल गए, लेकिन बाहरी भाग में जो कमरे खुलते हैं उन सभी कमरों पर अतिक्रमण बना हुआ है और वो अतिक्रमी भी बेदखली योग्य अतिक्रमी है, न कि किसी प्रकार का अधिकार व किसी स्वत्व के आधार पर। तो वो और मिल जाए तो ये डेवलपमेंट होगा। और सेठों की बात मैंने सुनी, उस हिसाब से उनका भी यही कहना है कि भाई ये विकास हम एक ही छत के नीचे अनेक सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं। इस आशय के कई बार पत्र वगैरह कलेक्टर है, श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय है, राजस्थान सरकार है, संपर्क पर है, तो काफी प्रयास किए। और इससे पूर्व ही लोगों ने वर्ष 2001 से काफी प्रयास किए, जिसमें यहाँ के उपखंड अधिकारी महोदय जो अपने जिला कलेक्टर महोदय को भी सूचित किया है, उस पत्र जो लिखे हैं उनमें समस्त विवरण दर्ज है उसका, और नगर पालिका राजगढ़ ने भी और विशेष रूप से इसका विवरण भिजवाया है एसटीएम को, एसटीएम ने कलेक्टर को भिजवाया है और राज्य सरकार तक है, लेकिन आज तक इसके विरुद्ध कोई नियम उपलब्ध होते हुए भी कोई कार्रवाई जनहित में नहीं हुई। जबकि परमिटेड एक्ट बेदखली अधिभोगी नियम 1964 मौजूद है और उसमें सक्षम अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी उपखंड अधिकारी महोदय हैं, उनसे भी बार बार निवेदन किया गया, किंतु एक लोक उस जिनका नाम है उमेश जी तोमर भी यहाँ 97 में रहे हैं और उनके द्वारा हिम्मत की तो इसी पट्टे 1500 दरगज में से 5000 दरगज 15000 दरगज में से 5000 दरगज में और सेठों के पुत्र पोत्रों द्वारा पट्टे की शर्त का उल्लंघन करते हुए, जबकि पट्टे में साफ लिखा है कि इस पट्टे का कोई भूभाग किसी को बेचने रह करने का अधिकार नहीं होगा, फिर भी उन्होंने उसमें धनपति देवी वाइफ बनवार लाल ने और इसका एक भाग 5000 का विक्रय कर दिया और क्रेता ने उस पर दुकानों का निर्माण शुरू किया, तो श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय ने लौह पुरुष के रूप में कार्रवाई की और उसको सीज कर लिया, जो आज भी बोर्ड वहां लगा हुआ है वो संपत्ति सीज है 5000 दरगज, शेष रही 15000 दरगज, उसमें अन्य लोगों ने अतिक्रमण कर रखे जो खुले तो जनता को लाभ मिलेगा, ये जानकारी है मुझे। इस प्रकार की कई संपत्तियां और राजगढ़ बाघ फतेहपुरिया है, बाघ फतेहपुरिया का भी यही मामला था के अंदर कोई फर्जी पट्टा नहीं दिया गया। धर्मशाला फतेहपुरियों की रिफायाम भूमि का पट्टा जिस पर वर्तमान में धर्मशाला बनी हुई है और फतेहपुरिया परिवार के द्वारा ही इसके आगे दुकानें किराए पर दी गई जिसपे नगर पालिका ने कोई पट्टा नहीं बनाया, तो वो उन दुकानदारों का और धर्मशाला का आपसी मामला है, नगर पालिका द्वारा उसे कोई किसी तरह का कोई पट्टा नहीं दिया गया।